सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोरोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप उनको बताने वाला हूं कि आपको कौन से सैमसंग के स्मार्टफोन को नहीं लेना है 2018 में। और आप लोगों को पता है कि अभी सेल स्टार्ट होने वाला है फ्लिपकार्ट और अमेजोन में, तो आपको कौन से स्मार्टफोन को देखना भी नहीं है अगर आप सैमसंग के स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं। तो मुझे पता है कि सैमसंग के फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है और सैमसंग के पुराने स्मार्टफोन को भी लोग बहुत ज़्यादा बाय करते हैं। तो आज मैं आप उनको बताऊंगा कि वो कौन से स्मार्टफोन है जिनको आपको देखना भी नहीं चाहिए 2018 में, वो एकदम भी आप लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है ही नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि सैमसंग ने इसी साल बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च किए, जिसमें से सैमसंग गैलेक्सी J7 Prime 2, उसको आपको देखना ही नहीं है। सैमसंग गैलेक्सी ON7 Prime, दोनों फ़ोन सेम ही है, बस नाम चेंज करके यहाँ पर सैमसंग लॉन्च करते आ रहा है। इन फ़ोनों को आपको नहीं देखना है। सैमसंग गैलेक्सी J2 2018 का वेरिएंट, उसको भी आपको नहीं देखना है। सैमसंग गैलेक्सी J7 Prime जो पिछले साल का स्मार्टफोन है, उनको भी नहीं देखना है। J7 Pro एक एवरेज स्मार्टफोन आप बोल सकते हैं, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा कैमरा देखने को मिल जाता है। तो J7 Pro ओवरऑल ठीक ही है, लेकिन J7 Max मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सैमसंग का J7 Max को बाय कीजिए। उसी तरह से सैमसंग गैलेक्सी ON Max जो कि J7 Max की तरह ही है, तो उसको भी आपको नहीं देखना है। J2 Pro, J2 2016, J2 2015, इन सब स्मार्टफोन को आपको देखना भी नहीं है। जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये फ़ोन पूरा बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है और 2018 के हिसाब से ना ये फ़ोन कहीं से भी आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दिखते ही नहीं है, और फ़ोन भी उतना धमाकेदार है नहीं। फ़ोन में उतनी कुछ आपको कमाल के स्पेस देखने को तो मिलती ही नहीं है। अगर आपको सैमसंग का लेना है तो आप J6 ले सकते हैं, ON6 ले सकते हैं, ON8 ले सकते हैं, J8 ले सकते हैं। तो ये सैमसंग के बजट स्मार्टफोन है जो कि 2018 में सैमसंग ने लॉन्च किए। तो मैं आप लोगों को फिर भी से ये बोल सकता हूँ कि आप ये सब स्मार्टफोन ले सकते हैं, लेकिन एक साल पुराना, डेढ़ साल पुराना आप मत लीजिए। J2 Pro है जो कि अभी तक लोग बाय करते हैं, तो वो सब स्मार्टफोन को आप स्किप कर दीजिएगा। J7 Prime, इसको भी 2016 में जो लॉन्च किया था, J5 Prime, इन सब स्मार्टफोन को आपको लेना ही नहीं है। मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप ये फ़ोन आप ले लेंगे ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस फ़ोन को 3 मंथ 2 मंथ 4 मंथ, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि सैमसंग ने अब इन स्मार्टफोन में अपडेट देना भी बंद कर दिया है। हालांकि अभी J7 Prime में एंड्रॉयड ओरियो का अपडेट आया, तो ये लास्ट अपडेट है, एंड्रॉयड पाई का अपडेट इसमें आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सैमसंग गैलेक्सी J7 Pro लेते हैं, तो उसमें आपको एंड्रॉयड ओरियो तो आ ही जाएगा कुछ दिन में, और साथ में एंड्रॉयड पाई का भी अपडेट देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने फ्यूचर को देखते हुए स्मार्टफोन को बाय कीजिए, ना कि अभी करंट सिचुएशन में, क्योंकि सैमसंग के बहुत ज़्यादा पुराना स्मार्टफोन है और वो भी मतलब ऑफलाइन मार्केट में लोग ले लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन अगर आपको थोड़ा नॉलेज है तो आप अपना दिमाग लगाइए और अच्छा से सैमसंग का स्मार्टफोन लीजिए। और अगर आपको दूसरे कंपनी का स्मार्टफोन लेने का है तो भाई टेंशन ही क्या है, इतने सारे स्मार्टफोन तो अवेलेबल है, आप कोई भी जाके ले सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि सैमसंग के जो भी जितने भी पुराने स्मार्टफोन हैं लगभग 1 से 1.5 साल, तो उन सबको आप स्किप कर दीजिए। इस साल उन्होंने लॉन्च किया J7 Prime 2, J2 Prime, ON7 Prime, उन सबको आप मत लीजिए। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोल दिया कौन से स्मार्टफोन आपको नहीं लेना है। तो बस यही है मेरा आज का मोटिव आप लोगों को, कि आप लोग को पता चले कि आप लोगों को कौन सा स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए। सैमसंग का कोई भी स्मार्टफोन पकड़ लीजिए 1.5 साल पुराना है, तो वो स्मार्टफोन का मत लीजिएगा, आपके लिए अच्छा ही होगा। J5 Prime, J7 Prime लोग अभी भी बाय कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों अभी वो लोग बाय कर रहे हैं इस स्मार्टफोन को। तो बस इतना ही है कि इन फ़ोनों से दूर रहिए। अब सेल आ रहा है तो बहुत कोई तो लेने का सोच रहे थे। J3 Pro भी है जो कि 2016 15 में आया था, अभी तक वो उन्होंने ऑफर दिया है। ON5 Pro बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन है, इन सब स्मार्टफोन को आपको लेना ही नहीं है। जी हाँ, इन सब स्मार्टफोन को आपको लेना ही नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो के जगह पहुँच जाए, और वो लोग भी अगर कोई स्मार्टफोन लेने का सोच रहे थे, सैमसंग का स्मार्टफोन लेने का सोच रहे थे, तो बोलो भाई कि ये सैमसंग का स्मार्टफोन ठीक नहीं है, दूसरा स्मार्टफोन आप ट्राई कर सकते हैं उसी प्राइस रेंज में। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।